हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा, कल से आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा वही रिव्यू एक्सरसाइज रिव्यू वर्कशीट टू रहेगा। रिव्यू वर्कशीट टू में जो रिमेंस पार्ट है, जो रिमेंस क्वेश्चन, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, उनको आज हम लोगों को कवर करना है। और कल जो हमने कराया था उसको हमने पार्ट वन नाम दिया था, और आज जो करा रहे हैं उसको हमने नाम दिया है पार्ट टू। तो कहने का मतलब, जब एक ही एक्सरसाइज को एक से अधिक, जब एक ही एक्सरसाइज का वीडियो एक से अधिक बार बनता है, तो उसको कई उसको पार्ट वाइज नेम दे दिया जाता है, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, ऐसे। ओके, तो चलिए अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। तो आपका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सिक्स है, आज का टर्न जो है क्वेश्चन नंबर सिक्स से रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में बेटा कह रहे हैं राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। किस में हम लोगों को राइट करना है? असेंडिंग ऑर्डर में, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। अब असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमने क्या बताया था कि सबसे पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में या तो फ्रैक्शन रहेगा या तो डेसिमल। तो इस क्वेश्चन में आपका फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन है तो पहला काम हमारा रहेगा कि हम यह चेक करेंगे कि वो फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन के लिए क्या होता है बेटा, डिनोमिनेटर सबके इक्वल होते हैं, जबकि अनलाइक फ्रैक्शन की केस में डिनोमिनेटर सबके इक्वल नहीं होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट हैं, और सबके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट डिफरेंट होने का मतलब ही यही है कि ये फ्रैक्शंस जो हुए कैसे हुए, अनलाइक हुए। कैसे हुए बेटा? अनलाइक। अब जब अनलाइक हो गए फ्रैक्शन और असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में रखने के लिए हमें उसको कंपेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंपेयर। और कंपेयर करने के लिए हमने क्या बताया था? एलसीएम प्रोसेस। ये तो आप लोगों के लिए हमने बता दिया था एलसीएम प्रोसेस, बट एक और है बेटा प्रोसेस। यदि कुछ फ्रैक्शन ऐसे हो जो अनलाइक हो, मीन्स सबके डिनोमिनेटर्स इक्वल ना हो, बट सबके न्यूमरेटर्स इक्वल हो, सबके न्यूमरेटर्स इक्वल हो। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, तो सबके न्यूमरेटर्स क्या हैं? इक्वल हैं। तो ऐसी केस में, अगर सबके न्यूमरेटर्स इक्वल है बेटा, तो ऐसे केस में जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम होगा वो उस फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा होगा उस फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे कम होगी। इसका मतलब कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम होगा वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा, हाईएस्ट फ्रैक्शन होगा, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा होगा वो लोवेस्ट होगा, आपका लोवेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो यदि इसी को बेटा असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, तो हम देखते हैं कि सबसे का असेंडिंग का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम, मतलब सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा उससे बड़ा, ऐसे ही लास्ट में सबसे बड़ा आ जाएगा। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन से होगा, और एंडिंग पॉइंट जो होगा उसका ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन से होगा। तो देखिए, इसमें स्मॉलेस्ट कौन है बेटा? तो सबसे ज़्यादा डिनोमिनेटर किसका है? इसका है। तो इसका मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, तो ये फ्रैक्शन वन हो गया। इसके बाद में किसका है? इसका है। ये टू हो गया, इसके बाद में इसका है ये थ्री हो गया, इसके बाद में इसका है फोर हो गया। तो अब जब हम बेटा इनको ऑर्डर में सेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 24/75 लेस द ए, उसको बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 24/63। इसको किए तो ये 24/57 एंड इसको कर दिए तो 24/39, राइट। ये इसका क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर। तो आप लोग फ्रैक्शन के केस में ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे सबके डिनोमिनेटर्स इक्वल ना हो, बट सबके न्यूमिनेटर्स इक्वल हैं, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, राइट। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पर। तो क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या कह रहे हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में, किस में रखना है इनको? डिसेंडिंग ऑर्डर में। बट यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं बेटा, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में ना होकर के किस फॉर्म में है? डेसिमल फॉर्म में है। कैसे हैं? डेसिमल फॉर्म में है।
तो डेसिमल फॉर्म में है तो अब देखिए किसी में थ्री डिजिट पर है तो किसी में वन डिजिट पर है डेसिमल के बाद, किसी में थ्री डिजिट है तो किसी में डेसिमल के बाद वन डिजिट है तो किसी में टू डिजिट है। अब इनको हम कैसे रखें डिसेंडिंग ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा उससे छोटा, मीन्स जो आपका स्टार्टेड नंबर होगा वो आपका क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा, और जो आपका एंडिंग पे नंबर होगा जो अंत में नंबर आएगा वो स्मॉलेस्ट होगा। तो बेटा अब यहाँ पे देखें किसी में थ्री डेसिमल के बाद थ्री प्लेसेस हैं तो किसी पे वन प्लेस है तो किसी पे टू प्लेस, तो हमारा पहला काम होगा कि इन डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करें। इन लाइक डेसिमल, तो लाइक डेसिमल का मतलब ही होता है बेटा, हमने आप लोगों को बताया कि यदि डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट है तो उसके बाद आप चाहें तो जितना भी जीरोस इंक्रीज कर सकते हैं, उससे उसकी वैल्यू अनचेंज्ड होती है। तो हम क्या करेंगे कि सबको ऐसा कर लें कि सब में डेसिमल के बाद थ्री डिजिट्स हो जाएं, ठीक है? तो जैसे इसमें क्या है 0.035, इसमें क्या है 0.305, इसमें क्या है 0.500, और इसमें आपका क्या है 0.350। ऐसे हमने बना दिया, सबको बना दिया, सबको बना दिया। अब यदि आप इसको डेसिमल की तरह ना देखें तब भी आप इसका कंपेयर कर सकते हैं। तो आपको डिसेंडिंग में रखना है तो डिसेंडिंग के लिए सबसे क्या होगा, लार्जेस्ट वैल्यू पहले चाहिए, तो डिसेंडिंग के लिए सबसे लार्जेस्ट चाहिए। अब बेटा सब देखो लाइक हो गए क्योंकि सब में डेसिमल के बाद सब इक्वल प्लेसेस हो गए, थ्री थ्री प्लेसेस हो गए। तो अब आप देखिए इसमें सबसे लार्जर कौन है। अब आप यदि इसमें डेसिमल को कंसीडर ना भी करेंगे तब भी आपको, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि डेसिमल ना रहा होता तो सबसे लार्जर इसमें कौन होता, ए होता, सबसे लार्जर ए होता। तो आप पहले इसको रख लेंगे, इसके बाद में कौन होता, इसके बाद में आपका ए होता 350, तो ये इसके बाद वाला आ गया। इसके बाद में, इसके बाद में क्या आया, ए आ गया थर्ड प्लेस पे, ए इतना हो गया। इसके बाद में क्या आया, सबसे लास्ट में देखिए 35 ही है केवल, तो ये हो गया राइट। ऐसे आई बात समझ में? ए वाला लास्ट वाला शायद हमें लग रहा है कि डिजिट वहाँ पे दिख नहीं रहा है आप लोगों को, तो इसको हम यहाँ पे लास्ट में रख देते हैं, यहाँ पे नीचे कर देते हैं 0.035 राइट। अब क्लियर हुआ? नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 का ए, तो आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे 10 - 2 होल 3/4 - 3 होल 5/8 + 11/8 राइट। तो अब देखिए इसमें ऐसा है कि टोटल 4 नंबर्स दिए गए हैं, 4 और 4 के 4 जो में जो है 2 ऑपरेशंस है, कुछ जगहों पे प्लस करना है कुछ को माइनस, मतलब 2 प्लस हैं और 2 माइनस के फॉर्म में है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं, सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। राइट, ए इतना हो गया, इसके बाद में हमारा जो रहेगा ए आपका 10 हो जाएगा, 4 × 2 = 8 + 3 = 11/4 हो जाएगा, माइनस 8 × 3 = 24 + 5 = 29/8 हो जाएगा, प्लस ए 11/8 हो जाएगा। अब देखिए तो हम बेटा ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों से कहेंगे कि पहले पहले आप जो प्लस प्लस वाले हैं उनको एक साइड में रख करके प्लस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 10 + 11/8 - 11/4 - 29/8 ठीक है।
तो ए आपका बेटा क्या हो जाएगा, इसको जब आप इन दोनों को केवल जब आप प्लस करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 8 8 8 10 80। इसको समझ ही रहे होंगे आप लोग। एलसीएम लिया, एलसीएम में डिनोमिनेटर डिवाइड किया जो आया न्यूमरेटर मल्टीप्लाई के, प्लस 8 1 8 1 1 11 1 11 11 हो गया। तो आपका और ए वाला वैसे ही बना रहेगा, ए वाला जो है वैसे ही बना रहेगा। तो ये आपका बेटा कितना हो जाएगा, 91। कितना हो गया है, 91/8 - 11/4 - 29/8। अब देखिए बेटा, अब 91/8 - 29/8 - 11/4 कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हैं, इक्वल हैं। और जब दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं तो ये क्या हो जाएगा, अब हम इधर में लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 91 - 29/8 - 11/4। तो ए आपका क्या हो जाएगा, ए 11 से 9 गया तो 2 आ गया, यहाँ 8 से 2 गया तो 6 आ गया। कितना हो गया ये, 6 आ गया, ए 62 हो गया अपान 8 - 11/4। तो 8 हो गया, 8 में 8 से डिवाइड किए 1 आया, 1 का 62 में मल्टीप्लाई किए 62 आया, माइनस 8 में 4 से डिवाइड किए तो 2 आ गया, और 2 का 11 में मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, 22 आ गया। ये चीज़ तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, यह चीज़ जैसे जो किया जा रहा है, क्योंकि सम सब्ट्रैक्शन हमने फ्रैक्शन का पहले पढ़ा दिया आप लोगों को, फ्रैक्शन का सम सब्ट्रैक्शन इससे पहले हमने आप लोगों को पढ़ा दिया और पूरा प्रोसेस बता दिया। तो ए आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ए आपका 12 से 2 गया 0, 6 से 2 गया 4, 40 / 8 हो जाएगा, और 40 में जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। तो इसका आंसर 5 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, और जो इसका आंसर 5 आएगा। ओके, चलिए साइलेंट, लिसन केयरफुली एंड सी क्वेश्चन नंबर 11। कह रहे हैं बेटा, बाइचुंग 8 1/6 ऑफ द सैंडविचेज हिज मदर हैड मेड। बाइचुंग कोई एक बॉय है और उसकी मदर ने क्या किया, सैंडविच बनाया। अब जब उसकी मदर ने सैंडविच बनाया, जैसे आप लोग बनाते, आप लोगों के यहाँ बनता होगा, खाते होंगे, तो सैंडविच बनाया, तो फिर वो क्या किया, 1/6 जो था, जितना टोटल सैंडविच बना हुआ था उसका 1/6 क्या हुआ, बाइचुंग खा गया। उसका 1/6 कौन खा गया, बाइचुंग खा गया। अब कह रहे हैं कि इफ सी हैड मेड 12 सैंडविचेस, यदि उनकी मदर ने टोटल कितना सैंडविच बनाया था, 12 सैंडविच बनाया था, तो कह रहे हैं कि बाइचुंग के खाने के बाद हाउ मैनी वर लेफ्ट, उनके पास कितना बचा, उनके पास कितना, बात समझ में आ रही है ना। जैसे आप ही लोगों के घर में सैंडविच हो, अदरवाइज रोटी ही बन रही हो, ठीक है, ब्रेड ही हो, कुछ भी हो, तो सपोज कीजिए कि 12 सैंडविच आपकी मम्मी ने बनाया था और उसका 1/6 आपने खा लिया, अब मम्मी के पास कितना बचा, यही आंसर देना है आपको। क्वेश्चन क्लियर हुआ, चलिए अब हम आते हैं सलूशन पे। तो सलूशन में होगा बेटा, टोटल सैंडविच, या मदर मेड सैंडविच मदर ने कितना सैंडविचेस बनाया है, 12, मदर मेड सैंडविचेस 12, एंड बाइचुंग बाइचुंग 8 सैंडविचेस इज इक्वल क्या हो गया, 1/6 TH लगा दिया तो मीन्स फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया, 1/6 ऑफ 12, टोटल का ही तो खाया होगा, तो ये कितना हो गया, 1/6 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई
तो ये आपका हो गया 12 अपान 6, और 12 में 6 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2। 12 में इसका मतलब है कि बाईचुंग कितना सैंडविच खाया था, 2, बहुत ज़्यादा नहीं खाया था, 2 ही खाया था। अब मदर हैड मदर है लेफ्ट सैंडविच, मदर है लेफ्ट सैंडविचेस इज इक्वल क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2 इज इक्वल 10। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो मदर के पास कितना बचा हुआ है, 10 सैंडविचेस। नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है, और 13 में 2 पार्ट्स दिए गए हैं। 12 वाला इजी था इसलिए हमने नहीं बताया, उसको आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में 2 पार्ट्स हैं। देखिए फर्स्ट में कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, कैसा नंबर फाइंड करना है आप लोगों को, ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 56 एंड 100 एग्जैक्टली। आप लोगों को एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 56 एंड 108 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। जो 50 एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब देयर इज़ नो रिमाइंडर, वहाँ रिमाइंडर बचना ही नहीं चाहिए। तो हम बेटा जब आप लोगों को LCM एंड SCF पढ़ा रहे थे तो बताए थे अगर कहीं पे हाईएस्ट की बात की जाए, मैक्सिमम की बात की जाए, तो उसका मतलब क्या है, आपको HCF फाइंड करना है। और यदि कहीं पे लोवेस्ट की बात की जाए, स्मॉलेस्ट की बात की जाए, मिनिमम की बात की जाए, शॉर्टेस्ट की बात की जाए, तो वहाँ पे क्या करना है, LCM फाइंड करना है। वहाँ पे क्या फाइंड करना है, LCM। तो हाईएस्ट में HCF, लोवेस्ट में LCM। तो इसका मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या फाइंड करना होगा, HCF। क्या फाइंड करना होगा, HCF। तो ये आपका सलूशन में ए आपका कर देंगे द ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल हो जाएगा आपका HCF ऑफ 56 एंड 108। तो ये आपका हो जाएगा, HCF फाइंड करते हैं आप लोग तो कैसे करते हैं भाई, ये भी हमें बताना होगा क्या, 56 को क्या करते हैं, ये 56 का फैक्टर ए बना, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 7 जा 56, यही बना। और ये 108 का 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36 3 जा 108। ठीक है, अब जो इसका HCF रहेगा बेटा, तो HCF दोनों का क्या, जो दोनों में कॉमन हो, तो केवल यही दो चीज़ें कॉमन मिली और कोई नहीं मिला, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो 4 ही वह ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे हम 56 एंड 108 दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका है बी, इसी का सेक्शन बी, तो उसमें किसकी बात की गई बेटा, स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 21, 28 एंड 42। आपको एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 21, 28 एंड 42 तीनों से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, बारी बारी से। तो आप क्या करेंगे, इस सेक्शन बी को आपको करना है। सेक्शन बी में हम बता दे रहे हैं कि फाइंड HCF, LCM फाइंड करना है ऑफ किसका, 21, 28 एंड 42। आप लोगों को इसका LCM फाइंड करना है, इसको आप लोग कीजिए, ओके। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, और 15 में कह रहे हैं
व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी, कैसी कैपेसिटी की बात हो रही है, ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट हो गया, तो ग्रेटेस्ट का मतलब हमने बता ही दिया था, ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होगा, एचसीएफ फाइंड करने से, अगर ग्रेटेस्ट है हाईएस्ट है तो क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है ऑफ वेसल, किसका, वेसल का, कैन बी फीड अ नंबर ऑफ टाइम्स टू मीजर आउट 30 लीटर एंड 105 लीटर। अब पहले थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, समझिए कि एक जगह पे 30 लीटर वाटर आ रहा है, रखा हुआ है वाटर, सपोज कर लीजिए कि वायर वाटर है, ठीक है, एक जगह पे आपका 30 लीटर रखा हुआ है और दूसरी जगह पे 105 लीटर, तो कह रहे हैं कि हम ऐसा कि मतलब कितने लीटर का बर्तन ले, ऐसे कितने लीटर का कोई वेसल ले, पॉट ले, कि जिससे निकालने पर मतलब पूरा पूरा वो भी निकल जाए, पूरा पूरा वो भी निकल जाए, और जब भी निकालें तो भर भर के निकालें, उसका कोई पार्ट ना हो या कोई बचे ना, बात समझ रहे हैं, इसको ऐसे समझिए जैसे कि वो हो गई, क्या कहते हैं, ग्लास हो, एक मग हो गया, बड़ा वाला मग हो गया, ठीक है, उसमें चाय रखा हुआ है, उसमें क्या रखा हुआ है, चाय रखा हुआ है, तो चाय जो है बेटा 100 ml है, कितना है 100 ml, 100 ml चाय है, और मान लीजिए कि हम लोगों को कप दिया गया जिसमें से चाय हम लोगों को पीना है, और एक कप में 15 ml आ रहा है, कितना आ रहा है 15 means 15 ml, 15 ml आ रहा है, तो अब बताइए जब चाय सब लोगों को दिया जाएगा तो 15 6 90, मतलब 6 लोगों को तो भरा भरा कप चाय दिया जाएगा, फुल कप दिया जाएगा, बट जब सातवें की बारी आएगी तो उसमें कम पड़ जाएगा, तो फुल तो निकला नहीं, बट अगर यहीं पर बेटा, यदि यहीं पर उसी कप की साइज़ 20 या 10 रहा होता तब क्या होता, पूरा पूरा निकल जाता, तो ठीक वही है कि एक ऐसा आप लोगों को बेसल है, जो बेसल की कैपेसिटी क्या है वो बताना है, कि उस बेसल की क्या कैपेसिटी है कि जिसको निकालें तो इसका भी पूरा पूरा मेज़र करके निकल जाए और इसका भी, राइट, तो इसके लिए हमने क्या बताया, ग्रेटेस्ट है तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, एचसीएफ, तो आप लोग एचसीएफ फाइंड कर लीजिए, हो जाएगा सोल्यूशन। ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी, कैपेसिटी स्पेशल, तो ए आपका क्या हो जाएगा, फाइंड एचसीएफ ऑफ 30 लीटर एंड 105 लीटर, तो आप क्या करेंगी कि 30 लीटर एंड 105 का एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 105, ये हो जाएगा 2, 3 जा 6, 5 जा 30, और ये हो जाएगा 5 इतना, तो एचसीएफ दोनों का क्या हो जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल जो दोनों में कॉमन हो, 3 multiply by 5 means 15, तो 15 लीटर का यदि कोई वेसल लिया जाए, 15 लीटर का कोई वेसल लिया जाए तो उससे इसका भी और इसका दोनों का पूरा पूरा निकल जाएगा फिक्स टाइम्स, ओके। तो इस प्रकार बेटा आपका एक्सरसाइज यहीं पर है ओवर हुआ, और जो आज के लिए HW है वो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15, इतना एंड 16 भी हमने आप लोगों को HW में दे दिया है, तो इतना वर्क करिए, फिर आप लोग कल हम लोग मिलते हैं न्यू एक्सरसाइज के साथ, ओके, थैंक्स।